अस्सलाम वालेकुम। हमारा हमारा कराची में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बारिशों का एक तसलसल टूटने के बाद कराची वालों को मिली खुशखबरी। पीपल बस सर्विस चल पड़ी एक और रूट पर, रूट नंबर 3 पर। इस वक्त 5 स्टार चौरंगी पर पीपल बस सर्विस का मेन बस स्टॉप है। और जानते हैं कि रूट नंबर 3 से बस कब और कहां कहां से गुजरती अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। तो R3 बस का आज से रूट स्टार्ट हो गया है, तो यकीनन आपका पहला सफ़र होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त बैठ करके आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छी बड़ी बस है और मतलब ये AC वगैरह चल रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विस है। एक ट्रांसपोर्ट को बड़ा काफ़ी शहर कायद को काफ़ी मतलब बेनिफिट मिला है इस बस से। इसने रूट्स वगैरह कवर बहुत अच्छे करें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ के लिए मुसाफिर हैं आपके? मैं नाजमाबाद नंबर 1। नाजमाबाद नंबर 1 जा रहा। अच्छा, ये 50 रुपये किराया है, ज़्यादा है या कम है, या एक स्टॉप वाले के लिए ज़्यादा है? एक स्टॉप वाले के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जैसे इसको लंबा सफ़र करना है, इसको मैक्सिमम रूट कवर करना है, तो उसके लिए बारिश के हवाले से क्या कहेंगे? अगर बारिश के दौरान बंद हो रही है सर्विस, अभी एक दिन के लिए, कभी 24 घंटे के लिए, क्योंकि मुख्तलिफ रूट्स पर, ये रूट तो नया है मगर दूसरे रूट्स पर बंद हो जाती है सर्विस टेम्प्ररी, जैसे ग्रीन बस भी बंद हो जाती है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, अगर जैसे बंद हो जाती सर्विस तो शहरियों को काफ़ी परेशानी होती होगी। ज़ाहिर है वो इस रूट के आधे ही हो जाते हैं बसों में बैठने के, तो शहरियों को काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन उसका इनिशिएटिव ये है कि बहुत जल्दी ये बसों को ठीक किया जाए और दोबारा उसी रूट पर चलानी चाहिए। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड वगैरह जो उस तरह के बनाए जाएँ ताकि कराची में पानी ठहरे नहीं और ये बसें आसानी से हम सफ़र कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से रोड्स को हमें बेहतर बनाना चाहिए ताकि इस तरीके की बसें चलती रहें फ्यूचर में भी। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आवाम को कि भाई किस तरह से बसों को इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आपकी अपनी बसें हैं, इस तरह से मेंटेन करना चाहिए इस गवर्नमेंट को सारी चीज़ें कि ये बसें कंटिन्यू चलती रहें। जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल इसी तरीके से इन बसों का ख्याल रखना चाहिए, इस तरह हम अपनी गाड़ियों का ख्याल रखते हैं, बाइकों का ख्याल रखते हैं। इस तरीके से हमारी अपनी बस है और इस तरीके की सर्विस अगर हम इनका ख्याल रखेंगे बसों का, तो ये सर्विस चलती रहनी चाहिए, आगे फ्यूचर में भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, तो हमें इन बसों का ख्याल रखना चाहिए। R3 के जो बस स्टॉप हैं, तो इसके रूट थोड़ा कम्प्लीट आप बता सकेंगे? ये जी 5 स्टार से स्टार हो रही है नाजमाबाद, दादूखेत और हसन स्क्वायर से फिर जाती है अपना पीएफ म्यूज़ियम से फिर होती हुई गोरा कब्रिस्तान से फिर कयूमाबाद से फिर नासिर जंप। लास्ट डेस्टिनेशन जो होगी वो नासिर जंप होगी? जी नासिर जंप होगी। भैया इसका फेयर कितना है R3 का? सिर्फ 50 रुपये। और फर्स्ट स्टॉप हो या आखिरी स्टॉप हो, इसका सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये किराया। तो इसमें कुछ तब्दीली आने के भी चांसेस हैं? जी तब्दीली शायद आ भी सकती है और नहीं भी। अच्छा, ये बताइएगा दोस्त, यहाँ की टाइमिंग क्या है पीपल बस सर्विस की जो R3 चल रहा है? R3 का यहाँ 5 स्टार से पहला जो टाइम है ना 7:45 से स्टार्ट है। और रात कब तक चलेगा ये? रात 10 बजे तक। पीपल बस सर्विस का ये था रूट नंबर 3 जो कि 5 स्टार चौरंगी से नासिर जंप कोरंगी तक के मुसाफिरों को एक अच्छा सफ़र देगा। हालिया बारिशों के बायस कराची में बस सर्विस मुअत्तल हो जाती हैं या बसें ख़राब भी हो सकती हैं, लिहाजा ये बसें तो कराची आ गई हैं, इनके लिए रोड्स और पानी की निकासी का भी इंतज़ाम किया जाए ताकि इन बसों को लॉन्ग लास्टिंग इस्तेमाल किया जा सके, बनिस्बत खूबसूरत सर्विस बंद हो जाए। इसके लिए सिंध गवर्नमेंट को अच्छे इंतजाम करना होंगे। ये थी छोटी सी अपडेट, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज हम और हमारा कराची को। अस्सलाम वालेकुम।